बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का केस है। वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब सामने आ गया है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को देने की इस्तेदा की है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया, शहजाद से मजीद बात करते हैं। शहजाद, वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब में क्या मजीद कहा गया है? जी फातिमा, बिल्कुल, वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये मौकफ अपनाया गया है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मतदद सस्ते टूल दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म पर मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। जवाब में ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील भी किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ और सिर्फ वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिन पर ये कॉल उस वक्त की गई हों। जवाब में ये भी इस्तदा की गई है अदालत से कि पैका 2016 का कानून है, उसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग जो है मजाज अथॉरिटी अदालत से इस्तदा है कि इस मामले पर मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए ताकि कॉल करने वाले खुद भी जो है वो रिकॉर्ड जो है बाज़ूकात शेयर कर देते हैं या उनका फोन हैक होता है जिसके बाद जो है ये ऑडियो कॉल का सिलसिला एक जो है वो चल रहा है। तो इस वक्त जो है वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में अपना जो जवाब है वो आज जमा करवा दिया। जमा जवाब सामने आ गया है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को देने की इस्तेदा की है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया, शहजाद से मजीद बात करते हैं। शहजाद, वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब में क्या मजीद कहा गया है? जी फातिमा, बिल्कुल, वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये मौकफ अपनाया गया है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मतदद सस्ते टूल दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म पर मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। जवाब में ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील भी किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ और सिर्फ वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिन पर ये कॉल उस वक्त की गई हों। जवाब में ये भी इस्तदा की गई है अदालत से कि पैका 2016 का कानून है, उसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग जो है मजाज अथॉरिटी अदालत से इस्तदा है कि इस मामले पर मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए ताकि कॉल करने वाले खुद भी जो है वो रिकॉर्ड जो है बाज़ूकात शेयर कर देते हैं या उनका फोन हैक होता है जिसके बाद जो है ये ऑडियो कॉल का सिलसिला एक जो है वो चल रहा है। तो इस वक्त जो है वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में अपना जो जवाब है वो आज जमा करवा दिया। जमा जवाब सामने आ गया है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को देने की इस्तेदा की है। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया, शहजाद से मजीद बात करते हैं। शहजाद, वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब में क्या मजीद कहा गया है? जी फातिमा, बिल्कुल, वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये मौकफ अपनाया गया है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मतदद सस्ते टूल दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म पर मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। जवाब में ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील भी किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ और सिर्फ वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिन पर ये कॉल उस वक्त की गई हों। जवाब में ये भी इस्तदा की गई है अदालत से कि पैका 2016 का कानून है, उसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग जो है मजाज अथॉरिटी अदालत से इस्तदा है कि इस मामले पर मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए ताकि कॉल करने वाले खुद भी जो है वो रिकॉर्ड जो है बाज़ूकात शेयर कर देते हैं या उनका फोन हैक होता है जिसके बाद जो है ये ऑडियो कॉल का सिलसिला एक जो है वो चल रहा है। तो इस वक्त जो है वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में अपना जो जवाब है वो आज जमा करवा दिया।